राम राम भाई सारे भैया ने, मैं हूँ आलफलाल मोहाना में। आज आजाद उम्मीदवार हरस चकारा की परिवर्तन रैली मोहाना में थी। गोहाना विधानसभा क्षेत्र का गांव है मोहाना, मेन रोड पर टोल के पास ये रैली थी और जीता भाई हमारे साथ जुड़ गया और अन्य साथी सबको राम राम भाई। पहले तो जीता हरस चकारा का एक तगड़ा सिपाही है, कति जीता नहीं हो तो मैंने कहूँगा जीता है। जीते राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। की सार है अनुभव ये चुनाव लड़ने का? भाई बहुत बढ़िया रहा, और पूरे जिस तरह भाई हरस चकारा के प्रति जो जनता का प्यार प्रेम देखा है, मैंने अपने जिंदगी में आज तक ऐसा प्यार प्रेम कहीं नहीं देखा। सुनी थी तू शर्त लगा है, को दो किले की शर्त लगा लो, को एक किले की शर्त है, को 20 लाख 30 लाख भाई के जी मारी? भाई बिल्कुल लगावा थे और बिल्कुल तैयार थे, फिर भाई हरस खुद ने मना कर दिया कि अपने कोई शर्त नहीं लगाओगा, मैं नहीं चाहता कोई भी भाई इस तरह का माहौल। तैयार खड़े थे भाई, चुनाव भाई लड़ रहा है, अगर वो जिसा के हमने उसका पालन करना पड़ेगा। क्यों आपने ऐसा लगन लग गया कि आप जीत रहे हो? भाई साहब माहौल आप देख लो, जितनी जो हरस चकारा की एक माँ गुजरी है, बार बार अगर वो चीज़ देखा हाँ तो आज हजारों माँ हरस के साथ खड़ी है। जितनी बहन है, ये इलेक्शन हरस अकेला नहीं लड़ रहा, ये चुनाव उसका माताएं बहनें और युवा साथी और गरीब जो लोग हैं वो सभी मिलजुल के ये चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चुनाव 100% हरस भाई जीत चुके हैं। एक बात आपको देखने को मिली होगी कि दोनों पार्टियों के, बीजेपी और कांग्रेस के, कितने बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ आए। हरस चकारा एक 35 साल का अकेला लड़का, बहुत बड़ी बात है, अकेले लड़के ने दिल्ली तक के बड़े बड़े नेताओं को इलाके रख दिया। हेलीकॉप्टर कांड क्यों हो गया? बड़ी तैयारी थी, सारे काम थे, पेड़ बना रखा था। तानाशाह सरकार है, किसान आंदोलन में हमने देखी, अग्निवीर में हमने देखी, हर जगह सरपंचा लठ मार दिया हमने देखी, तो हेलीकॉप्टर की परमिशन ना दी कोई बात ना, ये भी हमारे भाई के पक्ष में ही जाएगा। ये भी पक्ष में? हाँ पक्ष में। तानाशाह जी का आशीर्वाद ऊपर ऊपर आ लिया भाई साहब, हनुमान बेनीवाल का आशीर्वाद साथ है, क्योंकि वह उनके छोटे भाई हैं हरस। हम तो इसलिए खुश हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी आए, दूसरे विपक्ष के जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं राहुल गांधी आए, दोनों पार्टियों के सीएम, पूर्व सीएम, सब यहाँ स्टार प्रचारक आए। हरस चकारा 35 साल का इकलौता लड़का, मात्र इकलौता, जिसका कोई स्टार प्रचारक ऊपर नहीं, जिसका कोई राजनीतिक बैकअप नहीं, उसके बाद इतनी बड़ी तानाशाह सरकारों को इलाके रख दिया, और इससे साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं कि जनता हरस चकारा के साथ है। जी तो यह था भाई जीता, भाई जीता नहीं चीता है, एक बार पहले भी बताया मैंने, और ये चीते सारे चीते बैठे हैं, ये सारे चकारा के, और भाई जड़ा बब्बर से राजा उड़े चीता की बिना चल दी है नहीं भाई साहब। सारी हरस की सेना है, युवा सेना है, जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान हमारे को बोला जा रहा था, हमारे जो युवा टीम को बोला जा रहा था जगबीर मलिक के द्वारा कि हरस चकारा के साथ तो ये बंदर सेना है, हम उसको ये बताना चाहते थे कि ये बंदर सेना ने तो लंका फूंक दी थी, आपका सौदा के है फूका मानोगे फूंक दिया तो भाई।